सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। और आज बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात करनी है मुझे आपसे, क्योंकि अभी एक कटआउट सामने आया है जिसके बारे में बहुत ज़्यादा बात हो रही है यूट्यूब पे। और बैंकिंग अपडेट नाम का एक चैनल है जिसने ऐसा कहा है कि इस कटआउट में जो ग्रीन लाइन में लिखा हुआ है क्वारी नंबर 2, उसका मतलब है कि 750 वैकेंसी कैनरा बैंक ने IBPS के अंडर और जमा करा दी है और ऐड कर दी है 2500 के अलावा। और उसके कमेंट के नीचे उसे काफ़ी सारे लोग बता रहे हैं कि ये 2500 से रिड्यूस करके 750 कर दिए। तो इसका बहुत ज़्यादा इस पर बात चल रही है और बहुत सारे ग्रुप्स में भी मैंने देखा अभी, और अभी मैं इस बारे में ही बात करने वाला हूँ एक्चुअली। तो अगर ये कटआउट आप देखेंगे या मैं आपको दिखा देता हूँ आपकी स्क्रीन पर, तो इस कटआउट में लिखा हुआ है कैनरा बैंक हैज़ इंडेंटेड 750 टेंटेटिव वैकेंसीज टू IBPS अंडर CRPPO 12। सो इसका मतलब अगर आप गूगल पे सर्च करेंगे, ट्रांसलेट करेंगे, क्योंकि कई बार क्या होता है कि कुछ चीज़ें समझ नहीं आती जब तक उसको हिंदी में समझा ना जाए। तो इसका मतलब है हिंदी में, मैं आपको दिखा देता हूँ, ये भी कटआउट निकाल देता हूँ मैं, कि कैनरा बैंक ने IBPS के तहत 750 अस्थायी रिक्तियों की मांग की है। अब देखो, इसके दो मतलब हो सकते हैं। पहला मतलब ये हो सकता है कि कैनरा बैंक ने जितनी वैकेंसी जमा कराई थी 2500 जो पहले थी, उसके अलावा 750 एक्स्ट्रा और मांग ली हो, लेकिन इस लाइन में कहीं भी 750 एक्स्ट्रा का जिक्र नहीं हुआ है। अगर बैकग्राउंड नॉइस आ रही हो तो माफ़ कर देना, लेकिन इसमें कहीं भी अतिरिक्त वर्ड का इस्तेमाल नहीं हुआ है। तो शायद 2500 प्लस 750 नहीं हुआ हो। लेकिन अभी दूसरे मतलब पे आते हैं, जो कि हो सकता है इस लाइन का। तो इस लाइन का दूसरा मतलब ये हो सकता है कि वो 2500 डिमिनिश कर दियो और सिर्फ 750 ही रखी हो कैनरा बैंक ने। तो क्योंकि अभी इसके दो मतलब निकल सकते हैं, तो अभी इस बात के दो मतलब निकल सकते हैं, या तो कैनरा बैंक ने 750 ही रखी हो, या फिर 750 और बढ़ा दी हो। अगर बढ़ा देता है तो अच्छी बात है, लेकिन अगर कम कर देता है तो ऑब्वियसली कट ऑफ पर फ़र्क पड़ेगा। और मैं बस इतना कहना चाहता हूँ लास्ट में, वीडियो एंड करने से पहले, कि चाहे कुछ भी हुआ हो, या बड़ी हो या कम हुई हो, हम मेंस का पेपर दे चुके हैं और रिज़ल्ट आएगा जैसा आना था, और इस पर फ़र्क नहीं पड़ता अब क्या हो, अब कुछ हो भी नहीं सकता वैसे। बस हमें इंटरव्यू की तैयारी हम ज़्यादा अच्छी कर सकते हैं, और इसके अलावा कुछ और बचा नहीं है हमारे पास करने के लिए, हमारे हाथों में, अगर हमारा मेंस हो जाता है तो। तो आई होप कि जिन लोगों ने अच्छी तरह से किया हो उनका मेंस हो जाए। और बस एक लास्ट बात जो मैं अपने मन से बोलना चाहता हूँ, कि ऐसे फालतू फालतू चैनल जो भी कुछ भी बना देते हो बिना कोई रिसर्च किए, बिना कुछ किए, तो उनको सब्सक्राइब या मत कीजिएगा, उनको देखिएगा मत, क्योंकि क्या होता है ना कि वो टाइम वेस्ट कर देता है आपका बिना कुछ। बस उनको कोई कटआउट मिल जाता है, कुछ मिल जाता है, बस वो देखते हैं और तुरंत बता देते हैं बस, क्योंकि उन्हें अपना फीड भरना होता है, सबसे ज़्यादा व्यूज़ चाहिए होता है, तो बहुत जल्दी वीडियो बना देते हैं। और ये भी नहीं देखते कि किसके किस बारे में बात हो रही है, किस चीज़ के बारे में बात हो रही है, वो मतलब भी नहीं पूछते। तो हर चीज़ को बताने से पहले, क्योंकि ये करियर के बारे में, और करियर बहुत बड़ी चीज़ होती है, तो किसी भी अगर जो चीज़ आपके करियर से रिलेटेड हो तो उस चीज़ को इम्पोर्टेंस दीजिए। ऐसे किसी को भी अपने करियर के साथ खेलने मत दीजिए, आपकी ब्रेन पे, आपके माइंड पे बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट पड़ता है इन चीज़ों का, जो कि आप इंफॉर्मेशन लेते हैं इधर उधर से। तो ऐसे लोगों के हाथ में अपनी वनरेबल चीज़ जो है, जैसे करियर हो गया और भी काफ़ी सारी चीज़ें, वो मत दीजिएगा, और ऐसे लोगों को अनसब्सक्राइब कर दीजिएगा। क्योंकि क्या है कि ये लोग अपने मतलब लोगों, स्टूडेंट्स के, एस्पिरेंट्स के इमोशंस का फ़ायदा उठाते हैं। तो बस मुझे इतना ही बताना था कि जब तक पता नहीं चल जाता कि ये वैकेंसीज 750 ही है या फिर 750 बढ़ाई गई है 2500 जो थी, क्योंकि यहाँ पर डिमिनिश जैसा कुछ नहीं लिखा हुआ या फिर अतिरिक्त जैसा कुछ नहीं लिखा हुआ, तो अभी वेट कीजिए जब तक RTI और कोई नहीं लगा देता कैनरा बैंक की तरफ से, या फिर अगर आप कोई इन्फॉर्मेशन मुझे दें जो मुझे नहीं पता हो शायद इस चीज़ के बारे में, तो मैं ज़रूर आपकी बात सुनना चाहूँगा कि आपका क्या टेक है इस चीज़ के बारे में, आप क्या सोचते हैं कि या तो सिर्फ ये 750 ही है या फिर ये बढ़ा के 3300 कर दी गई है। तो आप मुझे बताइए अच्छी तरह से। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय, जय हिंद।